नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिजिक्स सेकंड के छठवें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के थ्योरी का पार्ट 5 बताऊंगा। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है इसमें ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि वह युक्ति जिसके द्वारा धारा, वोल्टेज तथा शक्ति का प्रवर्धन किया जाता है उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि वह युक्ति जिसके द्वारा धारा, वोल्टेज, शक्ति का प्रवर्धन यानी कि उसे बढ़ाया जाता है, तो वह युक्ति जिसके द्वारा धारा, वोल्टेज और शक्ति का प्रवर्धन किया जाता है उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसके बाद अथवा करके इसकी दूसरी परिभाषा भी दी गई है, आप इसे दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक, तो आपको ये दोनों अर्धचालक बताए गए हैं, पी टाइप और एन टाइप दोनों प्रकार के अर्धचालक बताए गए थे। ध्यान दीजिए, जिसमें बताया गया था पी टाइप अर्धचालक वे होते हैं जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो जो अर्धचालक प्राप्त होता है वो पी टाइप, और जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो वो होते हैं एन टाइप अर्धचालक। तो ये आपको पहले वाले वीडियो में बताए जा चुके हैं। तो अब ध्यान दीजिए, वही दिया गया इसमें कि पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से बनी वह युक्ति जो ट्रायोड वाल्व की भांति व्यवहार करती है। इसमें ये बताया जा रहा है कि पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से बनी वह युक्ति जो ट्रायोड वाल्व की भांति व्यवहार करती है ट्रांजिस्टर कहलाती है। तो इसे आप दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आप धारा, वोल्टेज और शक्ति का प्रवर्धन कर सकते हैं उसे ट्रांजिस्टर कह सकते हैं, या फिर दूसरा है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से बनी वह युक्ति जो ट्रायोड वाल्व की भांति व्यवहार करती है उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, इसके बाद दिया गया है कि इसका आविष्कार सर्वप्रथम सन 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिकों विलियम शॉकले, डब्ल्यू जे बार्डिन तथा डब्ल्यू एच बेरिन ने किया था। तो इसका आविष्कार जो है वो 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। इसके लिए इन्हें संयुक्त रूप से 1956 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आविष्कार जो है वो 1948 में हुआ था और अमेरिकन वैज्ञानिकों ने किया था, इसके लिए उन्हें संयुक्त रूप से जो है 1956 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें दिया गया है कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला दिया गया है पीएनपी ट्रांजिस्टर और इसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पहला ध्यान दीजिए अब इसमें, तो अब ध्यान दीजिए पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इसका प्रतीक बनाया गया है, यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसा होता है। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर बना हुआ है, तो इसमें ये पहला भाग पी, दूसरा एन और तीसरा फिर पी। तो यहाँ पर जो एन है वो भाग पतला है, इसके अलावा ये दोनों भाग जो है वो बड़े हैं और ये एन वाला भाग जो है वो काफ़ी पतला है। तो आप ध्यान दीजिए, आप इसी फिगर को देख करके परिभाषित कर सकते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को। तो ध्यान दीजिए, तो आप बता सकते हैं इसमें कि दो पी टाइप अर्धचालकों की मोटी परतों के बीच जो है एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को दबाकर बनाया गया ट्रांजिस्टर जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो यहाँ पर पी टाइप अर्धचालक की दो मोटी परतें हैं और एन टाइप अर्धचालक की एक पतली परत है, तो एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को जो है पी टाइप अर्धचालकों की दो मोटी परतों द्वारा दबाकर बनाया गया है। तो इस प्रकार जो ट्रांजिस्टर प्राप्त होता है उसे बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो वही इसमें लिखा गया है कि यह ट्रांजिस्टर एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को पी टाइप अर्धचालक की दो मोटी परतों के बीच दबाकर बनाया जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से ये लिख देंगे, क्योंकि यहाँ जो लिखा गया है इसका मतलब वही है। तो वहाँ पर बताया गया भी आपको कि यह ट्रांजिस्टर जो है एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को पी टाइप अर्धचालकों की दो मोटी परतों के बीच दबाकर बनाया जाता है। इस प्रकार इसमें बीच का एन क्षेत्र आधार, यानी कि जो एन टाइप वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं आधार, और बाईं ओर का पी क्षेत्र उत्सर्जक
और इसके बाईं ओर का जो पी क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं उत्सर्जक, और दाईं ओर का पी क्षेत्र जो है वो संग्राहक कहलाता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं कि एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को जो है वो पी टाइप अर्धचालक की दो मोटी परतों के बीच दबाकर बनाया जाता है, और इसमें एन क्षेत्र जो होता है उसे आधार, और इसके बाईं ओर वाले पी भाग को जो है उत्सर्जक, और दाईं ओर वाले पी भाग को यानी कि पी क्षेत्र को संग्राहक कहते हैं। इसके अलावा आप दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं इसे। ध्यान दीजिए, जैसे किनारों पर दिया गया है पी प्रकार अर्धचालक और मध्य में दिया गया है एन प्रकार अर्धचालक। तो पी प्रकार अर्धचालक अभी आपको बताया था मैंने कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे बोलते हैं पी अर्धचालक यानी कि पी टाइप अर्धचालक। और इसके अलावा जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। तो त्रिसंयोजी किनारों पर और पंच संयोजी मध्य में। तो इसके अनुसार आप बता सकते हैं कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल पर दोनों किनारों पर कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि तथा मध्य में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार प्राप्त ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो आप इस प्रकार भी इसे परिभाषित कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए एक बार, जब किसी शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल के दोनों किनारों पर कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि तथा मध्य में कोई पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार प्राप्त ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसके बाद है परिपथ व्यवस्था। तो अब ध्यान दीजिए, इसका फिगर आप पहले परिपथ व्यवस्था समझ लीजिए तो आपको यहाँ पर लिखने में आसानी होगी। तो अब ध्यान दीजिए, ये इसका परिपथ तैयार किया गया है। इसमें ये आपका पी क्षेत्र, एन क्षेत्र और फिर पी क्षेत्र, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। तो पी क्षेत्र में आपके क्वार्टर होते हैं, ध्यान दीजिए, और एन क्षेत्र में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर पी क्षेत्र में क्वार्टर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपकी उत्सर्जक और आधार संधि यानी कि इन दोनों को जोड़ा गया है यहाँ पर, तो उत्सर्जक आधार संधि इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का संबंध ध्यान दीजिए, इधर ये और ये, यानी कि उत्सर्जक आधार संधि को जो है बैटरी B1 से जोड़ा गया है। उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी B1 से, इसके अलावा आधार संग्राहक संधि को बैटरी B2 से जोड़ा गया है। तो फिर से ध्यान दीजिए, जो आपका उत्सर्जक आधार है इन दोनों को बैटरी B1 से और आधार संग्राहक संधि को बैटरी B2 से जोड़ा गया है। अब इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, जो मेन बात है आपको बताया गया था अग्र अभिनत और दूसरा उत्क्रम अभिनत। तो जिसमें बताया गया था अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है और उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था, तो ध्यान दीजिए। और अग्र अभिनत बनाने के लिए आपको बताया गया था कि जो पी सिरा होता है वो बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा होना चाहिए। अगर पी सिरा बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा होता है तो वो कंडीशन अग्र अभिनत की होती है, और जब पी सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है तो वो कंडीशन उत्क्रम अभिनत की होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी सिरा जो है आपका बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है, यानी कि बैटरी B1 के धन ध्रुव से जुड़ा है, इसलिए ये भाग जो है आपका अग्र अभिनत होगा। तो ये अग्र अभिनत है। इसके अलावा इधर ध्यान दीजिए, जो आधार संग्राहक संधि है यहाँ पर ये पी क्षेत्र है आपका, तो यहाँ पर ये पी सिरा जो है आपका बैटरी B2 के ऋण ध्रुव से जुड़ा है, और जब ऋण ध्रुव से जुड़ा है तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है उत्क्रम अभिनत। तो जब पी सिरा प्लस से जुड़ा होता है तो अग्र अभिनत, और जब पी सिरा ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है तो उत्क्रम अभिनत। तो ये इतना हो जाएगा। और जब अग्र अभिनत में होता है परिपथ तो वहाँ पर जो क्वार्टर होते हैं वो संधि को पार करने लगते हैं, संधि यानी कि एन वाला जो क्षेत्र दिया गया है इसको पार करके दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तो पहले ध्यान दीजिए, परिपथ व्यवस्था के लिए आपको क्या करना है, तो चित्र की भांति आपको पूरा परिपथ तैयार कर देना है। इसके बाद आपको उत्सर्जक आधार संधि को जो है बैटरी B1 द्वारा अग्र अभिनत बनाना है, जिससे इसकी अवक्षय परत जो है वो अपेक्षाकृत पतली हो जाती है। जब आप उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी B1 द्वारा अग्र अभिनत बनाते हैं तो इसकी अवक्षय परत जो है वो पतली हो जाती है। अवक्षय परत आपको PN संधि में बताई गई थी, अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले का वीडियो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको अवक्षय परत के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अभी आपको यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि उत्सर्जक आधार संधि को जब बैटरी B1 द्वारा अग्र अभिनत बनाते हैं तो इसकी अवक्षय परत जो होती है वो अत्यंत पतली हो जाती है, जिसके कारण यह आवेश वाहकों के मार्ग में जो है न्यूनतम प्रतिरोध यानी कि बहुत कम प्रतिरोध जो है वो
आरोपित करती है। इसके अलावा जो आधार संग्राहक संधि है इसको बैटरी B2 द्वारा जो है उत्क्रम अभिनत बनाते हैं। जब इसको उत्क्रम अभिनत बनाते हैं तो इसकी अवक्षय परत जो होती है वो अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है, जिससे यह धारा के मार्ग में जो है अधिकतम प्रतिरोध आरोपित करती है। तो पहले भाग का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है और दूसरे भाग का प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है तो ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि ट्रांजिस्टर उल्टता जो है वो सिग्नल को सदैव कम प्रतिरोध से अधिक प्रतिरोध में स्थानांतरित करती है। तो आपको ये याद रखना है कि ट्रांजिस्टर उल्टता जो है वो सिग्नल को सदैव कम प्रतिरोध से अधिक प्रतिरोध में स्थानांतरित करती है। तो ट्रांजिस्टर में अग्र अभिनत उल्टता बहुत कम तथा उत्क्रम अभिनत उल्टता जो है वो बहुत अधिक रखी जाती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो परिपथ व्यवस्था में अब आपको वही लिख देना है जो अभी आपको इसमें बताया गया है पूरा। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें लिखा गया है कि चित्र की भांति परिपथ तैयार करते हैं जिसमें उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी B1 द्वारा अग्र अभिनत बनाते हैं, जिससे इसकी अवक्षय परत अत्यंत पतली हो जाने के कारण यह आवेश वाहकों के मार्ग में न्यूनतम प्रतिरोध आरोपित करती है। बैटरी B2 द्वारा आधार संग्राहक संधि को उत्क्रम अभिनत बनाते हैं, जिससे इसकी अवक्षय परत अपेक्षाकृत मोटी हो जाने से यह धारा के मार्ग में अधिकतम प्रतिरोध आरोपित करती है। अब इसके बाद कार्यविधि, तो इसके लिए भी आप फिगर ध्यान दीजिए तो आपको कार्यविधि भी आसानी से समझ में आएगी। तो अभी आपको इसमें बताया गया था कि सबसे पहले बैटरी B1 द्वारा उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अभिनत बनाते हैं। तो जब इसको अग्र अभिनत बनाते हैं तो उत्सर्जक के जो कोटर हैं वो आधार को पार करके, यानी कि इसको पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं। जब उत्सर्जक के कोटर जो है वो आधार को पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं तो इस प्रकार लगभग 2% कोटर जो है वो आधार में चालक इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके जो है उदासीन हो जाते हैं। तो जब बैटरी B1 द्वारा उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अभिनत बनाते हैं तो उत्सर्जक के जो कोटर हैं वो आधार को पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं। तो इस प्रकार जो है लगभग 2% कोटर जो है वो आधार में चालक इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके जो है उदासीन हो जाते हैं। तो ये तो इतना हो गया। इसके बाद जैसे ही कोई कोटर जो है वो बिंदु C पर पहुँचता है, तो जैसे ही वो बिंदु C पर पहुंचता है वैसे ही बैटरी B2 के, यानी कि जो ये बैटरी B2 दी गई है, इसके ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर जो है कोटर को उदासीन कर देता है। तो जैसे ही कोई कोटर बिंदु C पर पहुंचता है वैसे ही बैटरी B2 के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उस कोटर को उदासीन कर देता है, और जब उसको उदासीन कर देता है तो संग्राहक धारा IC प्राप्त होती है। तो इससे संग्राहक धारा जो है वो प्राप्त हो जाती है। इसके बाद जैसे ही आधार में, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो थे वो कोटर से संयोग करके उदासीन हो रहे थे, तो जैसे ही आधार में जो है किसी चालक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि इसमें संयोग करके वो उदासीन हो जाते हैं, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो बैटरी B1, यानी कि जो ये बैटरी B1 दी गई है, इसके ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर जो है इस कमी को पूरा कर देता है। तो जैसे ही आधार में किसी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बैटरी B1 के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर जो है इस कमी को पूरा कर देता है, जिससे सूक्ष्म आधार धारा जो है वो IB प्राप्त होती है। इसके बाद जो उत्सर्जक के कोटर जो है वो आधार को पार करके संग्राहक में जा रहे थे तो इसमें कोटर की कमी भी होगी। तो जैसे ही उत्सर्जक में कोटर की कमी होती है वैसे ही संधि के समीप जो है वो एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है, और जब सहसंयोजक बंध टूट जाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी B1 के धन ध्रुव द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। तो जैसे ही सहसंयोजक बंध टूटता है दोनों इलेक्ट्रॉन बैटरी B1 के धन ध्रुव द्वारा जो है वो आकर्षित हो जाते हैं, जिससे उत्सर्जक धारा IE प्राप्त हो जाती है। तो एक बार फिर से अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी B1 द्वारा अग्र अभिनत बनाते हैं। जैसे ही अग्र अभिनत बनाते हैं उत्सर्जक के कोटर आधार को पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं, जिससे लगभग 2% कोटर जो है वो चालक इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, और जैसे ही कोई कोटर बिंदु C पर पहुंच जाता है वैसे ही बैटरी B2 के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर जो है उसे उदासीन कर देता है, जिससे संग्राहक धारा IC प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही आधार में किसी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वैसे ही बैटरी B1 के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उस कमी को पूरा कर देता है, जिससे आधार धारा IB प्राप्त होती है।
और उत्सर्जक में जब कोटर की कमी होती है तो संधि के समीप का सह संयोजक बंध टूट जाता है, जिससे दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी B1 के धन ध्रुव द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, जिससे उत्सर्जक धारा IE प्राप्त हो जाती है। तो अब कार्यविधि में आपको यही लिखना है, तो अब ध्यान दीजिए। तो वही लिखा गया है कार्यविधि में, उत्सर्जक आधार संधि के अग्रभिनत में होने के कारण, यानी कि जब उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी B1 द्वारा अग्रभिनत बनाते हैं, तो वही लिखा है कि उत्सर्जक आधार संधि के अग्रभिनत में होने के कारण उत्सर्जक के कोटर आधार को पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं। इस प्रकार लगभग 2% कोटर आधार में चालक के इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, और जैसे ही कोई कोटर बिंदु C पर पहुंचता है, वैसे ही बैटरी B2 के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कोटर को उदासीन कर देता है, जिससे संग्राहक धारा IC प्राप्त होती है। इसके बाद दिया गया, जैसे ही आधार में, यानी कि जैसे ही आधार में किसी चालक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वैसे ही बैटरी B1 के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उस कमी को पूरा कर देता है, जिससे सूक्ष्म आधार धारा IB प्रवाहित होती है। और जैसे ही उत्सर्जक में कोटर की कमी होती है, वैसे ही संधि के समीप एक सह संयोजक बंध टूट जाता है तथा दोनों इलेक्ट्रॉन बैटरी B1 के धन ध्रुव द्वारा आकर्षित होते हैं, जिससे उत्सर्जक धारा IE प्राप्त हो जाती है। तो इसमें आपको इसका फिगर तैयार करना है, बाकी फिगर के अनुसार आपको सभी कुछ लिख देना है और उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा गया चित्र से, तो अब ध्यान दीजिए चित्र में, तो फिगर में ध्यान दीजिए आपकी उत्सर्जक धारा जो है, यहाँ पर इसकी दिशा ध्यान दीजिए उत्सर्जक धारा की, इसके अलावा आधार धारा और संग्राहक धारा, इन दोनों की दिशा एक है, यानी कि IC और IB एक ही दिशा में जा रहे हैं, और इसके अलावा IE जो है ये आपका दूसरी दिशा में जा रहा है। तो चित्र के अनुसार जब लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा IE बराबर IB प्लस IC, तो वही यहाँ पे लिखा जाएगा IE बराबर IB प्लस IC। तो ये उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राहक धारा, तो आप बता सकते हैं कि आधार धारा और संग्राहक धारा के योगफल को उत्सर्जक धारा कहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।